बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइशर क्लास में आज आपको बाजू की कटिंग और गले की कटिंग सिखाऊंगी। इससे पिछली दो वीडियोस में हम शर्ट का फ्रंट बैक पार्ट काटना ड्राफ्टिंग सीख चुके हैं, और उससे पहली वाली वीडियो में पार्ट वन में हम शर्ट का नाप लेना, शर्ट से शर्ट का नाप लेना सीख चुके हैं। आज हम बनाएंगे बाजू। बाजू के लिए मैंने ये डबल कपड़ा रखा हुआ है। डबल कपड़ा रखते हुए नेक्स्ट चीज़ जो है मैं मेजर करूँगी इसकी लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई में ये कपड़ा मेरे पास जो बगल की मेरी शर्ट की कटिंग थी उससे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा आना चाहिए। लाइक शर्ट की कटिंग, बगल की कटिंग जब मैंने की थी, अपनी शर्ट की बगल की कटिंग मैंने की थी, तो उसमें ये पॉइंट मेरे पास 8.5 आ रहा था, जो कि मैंने ऐसे बगल का गोल कट लगाया वो 8.5 था। तो यहाँ पे ये मेरे पास 8.5 मीन्स को प्लस करें मीन्स ये हो गया 17, और मेरे पास ये शर्ट जो है वो कपड़ा बाजू का 17 से ज़्यादा आना चाहिए। ये आ रहा है मेरे पास 19, सो इट्स ओके। और यहाँ से हम लेंगे 23.5 और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। बाजू का कपड़ा लेने के बाद हम इसे कर लेंगे डबल। फ्रंट में अगर ज़रूरत है तो हल्की सी सफाई दे लें। ऐसे जब हमने अरेब निकाला था तो ये बिल्कुल नीट कटा हुआ था। कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा बहुत रेब इसमें मौजूद ही रहता है जी। लेंथ हमने ले ली है 23.5 और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास बगल से ज़्यादा आ रही है, यानी हमें चाहिए यहाँ से 8.5। जब हम बगल की ऐसे गोलाई बनाएंगे 8.5 हमें स्टिचिंग पॉइंट चाहिए, और उससे एक्स्ट्रा जो है मार्जिन जो हमें चाहिए वो 1.5 इंच का मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरफ हम लगा लेंगे। शर्ट बंद करने का निशान जो कि है 6.5 और यहाँ सामने की तरफ हमने बगल की गोलाई लेनी है। अब ये बगल की गोलाई कितनी लेनी है और इस पॉइंट को कहाँ जाके रुकना है, इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने बगल के नीचे वाले पार्ट से जिस तरफ आपका कटा हुआ ये हिस्सा आ रहा है, इस तरफ से ये 4 पार्ट हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से आपने ले लेना है इसको 3 इंच हम कट लगा देंगे। इसमें 3 इंच का निशान रखते हुए पहले बेशक ये वाली लाइन मिला लें ताकि बाजू शेप में आ जाए। अब इसके बाद जहाँ हमने 3 का निशान मार्क किया था वहाँ से लेके बिल्कुल बाजू की ऊपर वाली साइड, टॉप की साइड पे हमने एक तिरछी लाइन लगानी है। ये तिरछी लाइन लगाने के बाद इसका मिडिल निकाल लेंगे। ये तकरीबन टोटल मेरे पास 10 आ रहा है, इसका मैं टोटल निकाल लूँगा, हाफ निकालूंगी तो ये आएगा 5। इस 5 इंच से मुझे तकरीबन आधा इंच बाहर रहना है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे गोल करूँगी और यहाँ से इस तरफ को गोल करूँगी, ये मेरे पास आ जाएगी बाजू की गोलाई। अब हम इसे काट लेंगे। बाजू को कट लगाने के बाद जो निशान हम मार्क करेंगे यहाँ से पहले 8.5 को मार्क कर लेंगे। ये आएगा हमारा स्टिचिंग
का निशान जो कि हमें बाजू बंद करना है, इतनी गोल बाजू शर्ट के अंदर जानी है। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर आप लोग मज़ीद इसकी फ़िटिंग फ्रंट साइड की पहनते हैं तो फिर आप ये मज़ीद फ़िटिंग करेंगे, अगर आप मज़ीद फ़िटिंग नहीं पहनते, इतना ही बाजू काट के अपनी शर्ट में सीते हैं, तो बिल्कुल आप सिंपल कटिंग के अंदर या सादा कटिंग के अंदर इतनी ही मेजरमेंट आप अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फिटिंग पहनते हैं तो फिर हम इसको जो हमने स्टिचिंग वाला पॉइंट है उससे ऊपर 8.5 इस तरह लेते हुए इसका हाफ ले लेना है, नीचे वाले पार्ट का मज़ीद हाफ कर लेना है। ये टोटल तीन पार्ट हो जाएंगे, ऊपर वाला फुल हाफ और नीचे वाले हाफ के अगेन दो हाफ। यहाँ से अंदर की तरफ हमने तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1/4 इंच लेना है, इसको इस तरफ मिलाना है और इसको इस तरफ मिलाना है। ये जो गलाई निकलेगी ये सिर्फ दो पार्ट की निकलेगी, चारों पार्ट की नहीं निकलेगी। इसके लिए आप बाजू को खोल लीजिए। ये जो कटिंग आप निकालेंगे ये शर्ट के बिल्कुल ऐसे कैंची से इसको बैलेंस रखते हुए ऐसे गोल पीस निकाल दें और इस कटिंग को आपने यहाँ पे स्टिचिंग तक रोक लेना, इससे आगे नहीं जाना। यहाँ पे हम दो क्रॉस के निशान लगा लेंगे आगे भी और पीछे भी, जो हमें यह बताएंगे कि जब शर्ट हम स्टिच करें, बाजू जब हम स्टिच करेंगे अपनी कमीज के साथ, तो हमें ये याद रहे कि हमने ये गहरा वाला हिस्सा शर्ट की अगली फिटिंग के साथ जोड़ना है, आर्म होल की अगली फिटिंग के साथ जोड़ना है। ठीक है जी, बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे बिल्कुल मिडल का। बाजू की कटिंग के बाद आपको बताऊंगी मैं गले की कटिंग। गले की कटिंग के लिए आप बुकरम ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए और हमने जो ये पीस काटा था गले के अंदर से वो ले लीजिए। इसको बैलेंस करते हुए बुकरम आपने इस रुख पे लेनी है जिसमें धारियाँ ऐसे शो हो रही हैं। ठीक है जी, लंबाई हम इस साइड पे लेंगे और गले की चौड़ाई ऐसे काटेंगे इस साइड पे लेंगे। बुकरम डबल रखते हुए इसके ऊपर मैंने ये पीस रखा बिल्कुल बराबर, ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, डबल बंद वाली साइड बराबर, और यहाँ से हम 1/2 इंच तकरीबन बाहर मार्क कर लेंगे, इतना जितना हम सिलाई में देते हैं। मार्क करते हुए यहाँ से मैंने फ्रंट गला 4 इंच काटना था, ये मेरे पास 4 इंच लिखा हुआ है, और ये मैंने 8.5 काटना था, इट मीन्स कि ये मेरे पास 8.2 आना चाहिए। ये तकरीबन देखें 4 और 4 से ऊपर एक एक पॉइंट करते हुए ये मेरे पास 4.2 आ रहा है। जब ये गला रेडी होगा तो ये 4.4 या 4.5 मेरे पास मेजरमेंट के बराबर आ जाएगा। दिखी हुई मेजरमेंट और गले की कटिंग बराबर निकलती है। अगर आप बिल्कुल सही अपने निशान लगाएंगे तो आपकी मेजरमेंट बराबर आएगी, मैंने आपको चेक करके भी बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, गले की कटिंग के लिए एक लाइन नीचे की तरफ बुकरम पे ड्रॉ करेंगे, उसका बॉक्स बनाएंगे और एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करेंगे। मुझे इसका बेगला बनाना है, आपको जितना बेपसंद है आप उतना बना लें। मैं इसका यहाँ से तकरीबन यू शेप में गला लेकर आऊँगी और ऐसे इसको यहाँ मिला लूँगी और एक लाइन इससे 1 इंच बाहर की तरफ ड्रॉ करते हुए गले को शेप देते हुए काट लूँगी। बुकरम का गला काटने के बाद अब आपने इसे कपड़े पे पैच करना है। इस्त्री हम रेडी कर लेंगे और कपड़े का कोई ऐसा कॉर्नर एक्स्ट्रा जो निकला हुआ हो उसके ऊपर ये गला हम फुल लगा सकें और एक अरेबी पट्टी काट सकें, इतना कपड़ा हम ले लेंगे।
कपड़े का एक स्वेट कॉर्नर मैंने लिया है, अगर आपके पास पीस है तो आप पीस निकला हुआ ले सकते हैं। पहले इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद जब हम गला रख के लगाएंगे तो इसकी शाइनिंग वाली साइड को हमने नीचे रखना है। बिल्कुल ऐसे गला आपका फिर ऊपर कपड़े की बिल्कुल जो एज आ रही है उसके साथ आपने इसको पैच करना है। इसको रखते हुए जो अंदर से हमने कट निकाला था एहतियातन उसको भी रख के देख लेंगे कि गला हमारा बहुत खुला ना हो जाए या तंग ना हो जाए, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मेजर करके काटा हुआ है तो बिल्कुल हमारी मेजरमेंट के मुताबिक इसको शर्ट पे जाना चाहिए। इसको यहाँ ऐसे बराबर रखते हुए अंदर वाली साइड से थोड़ा सा प्रेस कर लें और यहाँ हाथ रख लें। अब बेशक इसको हटा दें, इसकी दोनों लेग्स को आपने इक्वल रखना है। थोड़ी देर इस तरीके उसके ऊपर रखें, बुकरम अच्छी तरह से साथ चिपक जाएगी। गले के बाहर हमें तकरीबन हाफ इंच या वन फिंगर कपड़ा चाहिए जिसको हम ऊपर कवर करते हुए गले को उसके अंदर बंद कर लेंगे। ऐसे गोल निशान लगा के काट लें। फ्रंट गला कटिंग और कपड़े के साथ प्रेस हो करिए स्टिच होने के लिए रेडी है। इसे हम साइड पे कर देंगे। अब हमने लेनी है करेली पट्टी। गले की बैक साइड को हमेशा आरी पट्टी लगाते हैं क्योंकि उसकी गोलाई में अरे पट्टी बिल्कुल जाके एडजस्ट हो जाती है और बिल्कुल नीट बैक साइड की पट्टी लगती है। यहाँ से आपने कॉर्नर उठा के जो यहाँ लाना है, जितना आप इसका अच्छा ट्रायंगल बनाएंगे उतना अच्छा आपका अरेब निकलेगा। इसको इस तरीके से बिठा लें। चाहे तो स्केल की मदद से लाइन लगा लें और चाहे तो हाथ से ही आप इसको कट कर सकते हैं इजीली। यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा यानी तकरीबन क्वार्टर इंच लेंगे, पूरा इंच नहीं लेंगे, आधा इंच भी नहीं लेंगे, क्वार्टर इंच लेंगे। तो क्वार्टर इंच की मेरी ये मेजरमेंट आ रही है, इसको आपने इंची टेप को सेट करते हुए बैक साइड की अरे पट्टी काट लेनी है। जी तो व्यूअर्स, कटिंग आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। जिन लोगों ने आज पहली दफा मेरा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।